माटू। अच्छी लगी? सॉरी मम्मा टू, कल मैंने आपको बैड बोला और नाराज भी हुई। कोई बात नहीं बच्चा, मैं जानती हूँ मेरी प्रीति मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती और ना ही मोही रहने देती, क्योंकि मोही और प्रीति एक है जो कभी अलग नहीं हो सकते। इस बार तुम्हारे साथ कुछ सही नहीं होने दूंगा मोही, मैं तुम्हारा रिश्ता मेरी बच्ची के साथ टिकने नहीं दूंगा। मोही, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी तो मैं प्रीति को स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। छोड़ दो ना प्लीज। बेटा अगर मम्मा टू ऑफिस लेट पहुंचेंगी ना तो उनके बॉस उनको डांटेंगे, जैसे आपकी टीचर आपको डांटती है जब आप स्कूल लेट जाते हो, इसलिए ने जाने दो, मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर दूं। हाँ बेटा, पापा छोड़ाएंगे। ओके नो, अगर मेरी मम्मी टू को किसी ने भी डांटा तो मैं उनको पनिश कर दूंगी। मेरी मम्मी टू को कोई नहीं डांटेगा। चलो पापा, आप मुझे स्कूल छोड़ दो। एक मिनट एक मिनट, ये टिफिन और वाटर बॉटल। बाय प्रिंसेस। बाय मम्मा टू। बाय, जा चले। रोटियों में कटौती की है क्या? कम पड़ गई थी कल, आज एक्स्ट्रा बना दिए माता जी। हाँ वैसे तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? चालीस हजार। शिखा जिंदा थी तो हर महीने कुछ ना कुछ भेज ही देती थी छात्र खर्च के लिए। पता नहीं इस बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा। मैं जानती हूँ आप हमेशा से यही चाहती थी कि शिखा की जगह मुझे जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूं, मैं यहाँ रह गई तो अब उनकी जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगी, पूरी सेवा करूंगी आपकी। दिल से इस परिवार को अपना माना है तो हर महीने 5 तारीख को पैसे मिल जाएंगे आपको। बाय, एक्स्ट्रा रोटी खा लीजिएगा। बड़ी भुतकने लगी है। मुझे क्या है? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है। घर का ख्याल रखती है, बच्ची का भी ख्याल रखती है और ऊपर से पैसे भी कमा के लाती है। बढ़िया है। गोपाल मेरी चाय कब आएगी? लाया मैं। अरे बेटा अब ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो? ये देखो, ये तो आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना। आपको पाइनएप्पल पेस्ट्री बहुत पसंद है ना। ये देखो आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट, खाओ ना। क्यों नहीं खा रही हो? बेबी प्लीज कुछ तो खा लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ माय गॉड, पाइनएप्पल पेस्ट्रीज। यस फेवरेट। और ये कौन नहीं खा रहा है? प्रिंसेस नहीं खा रही। प्रिंसेस अपसेट है? पाइनएप्पल पेस्ट्री को अवॉइड करें। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, शायद मेरे हाथों से खा लें। पॉप्सी के साथ पेस्ट्रीज का स्वाद ही अलग हो जाता है। चलो मेरे पैनकेक्स भी लेकर आओ, जाओ। जी मैम। चलो चलो, मन तो कर रहा है खाने। मन तो कर रहा है जोर से। अरे 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 अरे, प्रिंसेस प्रिंसेस कीर्ति। ओ सर, ये मंडप को जो है थोड़ा ऊंचा बनाने का इंतजाम किया जाएगा ताकि आप लोगों को काफ़ी देर तक मंडप में बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हवन कुंड को हमने इस तरह से डेकोर करने का। और उधर से ही आएंगी दो रशियन मॉडल्स। हाँ क्या? वो आपको सुनाई देता है क्या? मुझे लगा आप लोगों को सुनाई नहीं देता। तो सुनिए ना क्या बोल रही है मैम। ऐसे ध्यान देने जैसा कुछ है नहीं, वैसे भी हमने इनको शादी के लिए मंजूरी दे दी है, वो भी क्या कम है? अब दुनिया के सामने ऐसा तमाशा करना जरूरी है क्या? मतलब हर चीज की एक उम्र होती है। अब हरिद्वार जाने वाली उम्र में आप मनाली थोड़ी ना जाते हैं। पोता पोती को संभालिए, मंदिर में ध्यान दीजिए, लेकिन इन्हें तो प्यार हो गया है, पर क्या करें, देखें जो करना है करें।
मैम हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है, जाने दीजिए ना, रहने दीजिए कोई और क्लाइंट। क्या क्यों, पर मतलब शादी सिर्फ दो लोगों का मिलना थोड़ी ना होता है, उसमें होते हैं परिवार, उनका आशीर्वाद, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल इनकी शादी से खुश नहीं है, और ऐसे में अगर इनके परिवार को जोड़ने चले तो ना ये खुश रह पाएंगे और ना इनके परिवार वाले। यस मैम। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं क्लाइंट हाथ से नहीं चला जाए। नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है, पहले प्रीति थी अब मोहि आ गई है, यादाश्त गई है, डीएनए भी वही है, फिक्र मत कीजिए सब ठीक जा रहा है, बस देखते रहे क्या मजा आएगा। वैसे आप लोग उन्हीं में से है ना जिनको माँ बाप ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ खुशियां ही दी है, हर मनमानी पूरी की है, और आज जब अपने माँ बाप की बारी आई, जब वो खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ अलग अलग सा लग रहा है, अपनाने में परेशानी हो रही है ना? God promise, बच्चों को पूरी जिंदगी दे दी, वो कम था क्या? अब इनका कोई हक नहीं बनता कि ये जिंदगी में जो बची खुची जिंदगी है इनकी वो अपने हिसाब से जिए, सेलिब्रेट करे। हाँ अरे अगर वो अपनी खुशियों को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करके जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, आप लोगों को क्या बुराई दिख रही है? पर प्यार तो टीनेज में सुना था, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल। प्यार कोई एग्जाम है क्या जिसे देने के लिए गवर्नमेंट ने एक उम्र में ताला लगा दिया हो? प्यार वो एहसास है जो किस्मत वालों को कभी भी किसी उम्र में भी मिल सकता है, और जब इनकी जिंदगी में प्यार दस्तक दे रहा है तो आप दरवाजा बंद करने वाले कौन होते? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ मतलब जब तक दिल है तो धड़केगा ही वो भी, और अगर इनका दिल इनके लिए धड़क रहा है और इनका दिल इनके लिए, तो फिर आप लोगों को इसमें क्या परेशानी हो रही है? नहीं मैं मानता हूं कि कुछ एक हद तक आपका इन पर हक होगा, लेकिन इनके दिल की धड़कनों पर आपका हक नहीं हो सकता है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों आपकी सोच में थोड़ी गड़बड़ है। अरे और इस एहसास को समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अंकल आपको इस बात का एहसास है ना, तो ये काफी है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि और किसी को एहसास हो रहा है या नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि आपको एक दूसरे का साथ देना है हमेशा। अरे आपको प्यार हुआ है प्यार, इस बात का जश्न मनाइए, शादी कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। ठीक है, अगर प्यार ने इनकी जिंदगी पे दस्तक अब दी है तो दरवाजा बंद करने वाले आप कौन होते हैं? क्या बात है, कितनी सहजता से कितनी सुंदर बात कह दी आपने, मतलब सीधे दिल को छू गई। एक बात पूछूं? जी। आपने कभी प्यार नहीं किया होगा, अगर किया है तो कौन थी वो, कहाँ है और कैसी थी? इतने सारे सवाल। किया था प्यार, बहुत गहरा प्यार किया था, और वो भी तब जब मेरे दरवाजे बंद थे। उन्होंने दस्तक दी, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और वो सीधे आके बस गई मेरे जीवन में, मेरी सांसों में। कुछ ही वक्त का साथ था लेकिन बहुत खूबसूरत था। और फिर क्या हुआ? फिर वो चली गई बहुत दूर, और दूरी भी कैसी दूर थी, लेकिन हमेशा पास थी, कभी मेरे सामने नहीं थी और कभी मेरे सामने होकर मेरी नहीं थी।
खैर अब तो बस दोबारा उम्मीद लगाए बैठे हैं जिंदगी से, कहीं वो फिर से दस्तक दे दे। वैसे मेरी छोड़िए आप अपनी बताइए ना, मतलब अगर जिंदगी के इस पड़ाव में इस उम्र में प्यार अगर आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो आप क्या करेंगे? प्रीति, ए प्रीति कहाँ जा रही है? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? हाँ क्या हुआ? जाओ, आपने मेरा प्लेस है ना मटवा दिया, कीर्ति ने मुझे सब बता दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तेरा नाम क्यों कटवाऊंगी बेटा? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों कटवाऊंगी तेरा नाम? जाने मुझे, जाने दो। प्रीति मेरी बात तो सुन। नहीं प्रीति, नहीं सुनूंगी बात। ये क्या तरीका हुआ मोहित जी से बात करने का? हाँ कह रहे ना आपसे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर आप क्यों ऐसे बात करिए उनसे? आप जानती है ना कितना प्यार करती वो आपसे, फिर उसके बदले में ऐसे बिहेव करेंगी आप? चलिए माफी मांगिए, सॉरी कहिए उनसे, सॉरी कहिए। नहीं बोलूंगी। प्रीति, प्रीति, आज बोल दिया, आज के बाद मेरी और मेरी बेटी के बीच ना बोलना और ना हमारे बीच आना, समझे आप? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्रीति, बेटी क्या बात है? केटी बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ है? सब खराब हो गया मॉम, सब गड़बड़ हो गया, धीरे धीरे सही, लेकिन मोही मेरी तरफ कदम तो बढ़ा रही थी, दोस्ती का ही सही लेकिन हमारा कोई रिश्ता तो बन रहा था, आज जैसे सब पे पानी फिर गया। प्रीति का नाम स्कूल प्ले से हट गया है और उसकी जगह कीर्ति का नाम आ गया है। अब छोटी प्रीति को यह लग रहा है कि मोही ने वो सब करवाया है, मतलब उसका नाम हटवाया है, जबकि मोही ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मोही ने खूब कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन प्रीति उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी, इतनी बदतमीजी से पेश आ रही थी उसके साथ। अब फिर मुई भी अपसेट हो गई, मुई का इतना सा मुंह हो गया था और मुझे वो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने प्रीति को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा बेटा ऐसे बात, मुई मुझ पे ही बरस पाई, मुझ पे गुस्सा हो गई, मुई बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही भारी और कठोर शब्दों में उसने मुझे समझा दिया मॉम कि मोही और प्रीति के बीच में आने का हक मोही ने किसी को नहीं दिया है। ये कैसा रिश्ता इन दोनों के बीच का? मोही की खुशी, उसका गम, उसकी हंसी, उसके आंसू, सब कुछ प्रीति से शुरू होता है और प्रीति भी आगे खत्म हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उन दोनों का, शायद इसीलिए मोहित को बुरा लगा है कि प्रीति ने इस तरह बात की उससे। मोहित इतना अपसेट थी ना मॉम, मैं सह नहीं पा रहा था, मैं बस यही सोचता रह गया कि
कि मैं प्रीति की गलतफहमी दूर कैसे करूं कि मोहिनी ऐसा कुछ नहीं किया है, कैसे समझाऊं उसे मैं? केटी बेटा, देख बेटा, अपने आप पर इतना प्रेशर मत डाल। जो तू बात कर रहा है उससे एक परेशानी की बात मुझे ये लग रही है कि प्रीति ने जो मोहिनी के दिल में और उसकी जिंदगी में जगह बनाई है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो ही किसी को भी अपने करीब आने का मौका देगी। प्रीति, प्रीति दरवाजा खोलो बेटा, बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। प्रीति मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें अपने मम्मा टू पर भरोसा है ना? प्रीति मैंने आपका नाम नहीं कटवाया। प्रीति, प्रीति मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं तेरा नाम क्यों कटवाऊंगी? मैंने कुछ भी नहीं मुझे किया। बात करने दो, मुझे बात करने दो। प्रीति बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, बेटा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं बात करनी है मुझे आपसे। बेटा प्लीज रो मत। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रीति की जिंदगी के फैसले लेते लेते तुम ये भूल गई हो कि एक बच्ची का भी अपना मन होता है, तुम अपनी मर्जी उस पर कैसे थोप सकती हो? एक छोटी सी बच्ची के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ किया ही नहीं। कितना रो रही हो, तुमने कितना दुख पहुंचाया उसे। जब तुम्हें बात खत्म हो गई थी, पीठ पीछे जाकर तुम्हें ये सब करना शोभा देता है? मैं जानता हूं कि तुम केटी की कंपनी में काम कर रहे हो और वो तो नहायत ही घटिया इंसान, उसने तुम पर जोर डाला होगा, अपनी बेटी को रोल दिलाने के लिए तुम्हें मजबूर किया होगा, इसीलिए एप्लीकेशन देकर तुमने प्रीति का नाम हटवा दिया है ना? मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, मेरे केटी सर से कोई बात नहीं हुई है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, तो उसकी बेटी ने जो कुछ कहा प्रीति से, सब झूठ? हाँ, अरे नौकरी बचाने के लिए वहाँ कुछ करके आई है, कम से कम मान ही ले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं? लो, आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं, मैं प्रीति का दिल तोड़ सकती हूँ क्या? वो मेरी बच्ची है, मेरी जान से भी बढ़कर है वो, मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? इसलिए आप मुझे अपना रोल किसी को देने के लिए कह रही थी। देखा प्रीति, प्रीति बेटा सुनना मेरी बात, प्लीज एक बार दरवाजा खोल, मेरी बात सुनना। आपको मम्मा टू पर भरोसा है ना बेटा? प्लीज खोलो, प्लीज मेरा बच्चा खोला। अरे माँ कह देने से कोई माँ नहीं बन जाती। दिख गई ना असलियत दिखावे के रिश्ते की? मेरी शिखा होती ना तो ऐसा कभी ना करती, वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची के खुशी के साथ कभी ना खेल जाती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।